Hello students, welcome to lecture 4 of Microbes in Human Welfare. My name is Dr. Shubham Kaushik. Last lecture में हम लोगों ने sewage treatment और biocontrol के बारे में पढ़ा था इस chapter के, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे about microbes in as biofertilizers, ठीक है? तो microbes जो है हमारे आसपास जो है उनमें से कुछ microbes को हम लोग ऐसे biofertilizer use कर सकते हैं, ठीक है? तो बायोफर्टिलाइजर कैसे माइक्रोब को यूज करना है वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको? बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है? जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोफर्टिलाइजर्स। इसमें मेनली दो तीन तरीके के हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? ऐसे रूट नोड्यूल्स हो तो लेग्यूम्स में, उसमें राइजोबियम रहता है। ये जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं दीज आर द चैम्बर्स इन विच राइजोबियम स्टेज, ठीक है? और वो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, जिसकी वजह से प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई मिल पाता है, ठीक है? राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल एजोस्पोरिलम एंड एजोटोबैक्टर एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है? तो राइजोबियम तो सिम्बायोटिक है, मींस प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप में है, और कुछ फ्री लिविंग रहते हैं जो ऐसे ही रहते हैं सॉइल में, किसी प्लांट के साथ नहीं रहते, वो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। इससे वो प्लांट्स बेनिफिट होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया से जो नाइट्रोजन बढ़ रही है उससे वो प्लांट बेनिफिट होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं बनाते, तो उनको डायरेक्ट सॉइल में से नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है? तो ये माइक्रोब्स बहुत नेसेसरी है। अब अगर हम देखेंगे तो राइजोबियम में बहुत रिसर्च हुआ है, ठीक है? और अब जो है राइजोबियम जो है बिकता है बाजार में। राइजोबियम जो है एक जो पैकेट में आपको मिलेगा और राइजोबियम खरीद सकते हो, और अगर आप किसी लेग्यूमिनस क्रॉप का खेती कर रहे हो तो वहां पे सॉइल में उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो एक तो होता है कि नेचुरल राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा, दूसरा जब हमें पता चल गया तो हम राइजोबियम खरीद सकते हैं। राइजोबियम जो है आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, तो अब राइजोबियम खरीद लो और जिस सॉइल में आप लेग्यूमिनस प्लांट की खेती करने वाले हो उस सॉइल में उसको मिक्स कर दो, ठीक है? तो क्या होगा, कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा, तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और जो भी प्लांट वो बनाता है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा माइकोराइजा। इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, ठीक है? तो राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया और प्लांट का एसोसिएशन में था, ठीक है? माइकोराइजा जो है, माइक्रोराइजा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स को हम बोलते हैं माइक्रोराइजा, ठीक है? द फंगस गेट्स फूड फ्रॉम प्लांट, फंगस को फूड मिलता है प्लांट से, उसके बदले में फंगस क्या करता है, द फंगस एम्पायर परफॉर्म द फॉलोइंग, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट, ठीक है? सॉइल में से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर प्लांट भी तो एब्जॉर्ब कर सकता है, उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाता प्लांट जितना फंजाई कर पाता, ठीक है? इसलिए फंजाई को एज ए सिम्बायोटिक रिलेशन यहाँ पे बनाया। गिव रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। अब जब फंगस को अपनी उसने फंजाई को जो है प्लांट ने अपने रूट्स के आसपास रख दिया है, तो फंजाई क्या करता है, बाकी किसी और पैथोजन को, किसी और बैक्टीरिया फंजाई को जो हार्मफुल हो सकता है उस प्लांट के लिए, उसको नहीं आने देगा। मींस हमने अपना चौकीदार रख दिया है, अब वो किसी और गलत आदमी को नहीं आने देगा। तो प्लांट का ऐसे तरीके से चौकीदार का काम भी ये कर रहा है, ठीक है? और प्रोवाइड करता है टॉलरेंस टू सेलिनिटी एंड ड्रॉट, मींस अगर नमक ज्यादा हो गया सॉइल में, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो गया, तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी प्लांट को, उसको भी कंट्रोल कर लेता है, और अगर पानी की बहुत कमी हो गई उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है? तो बहुत हेल्प कर रहा है ये प्लांट को अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो इन सब की वजह से जो है उसका प्लांट का ग्रोथ जो है वो बेटर होगा, डेवलपमेंट जो है वो बेटर होगा, ठीक है? इतना समझ गए, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको हम लोग कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एनाबीना है, नोस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ठीक है? इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायोफर्टिलाइजर। हमने देखा हुआ राइस की जब हम खेती करते हैं, ठीक है, उसमें पानी भर देते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है राइस की खेती में,
ठीक है, उस पानी में क्या होता है, ये जो साइनोबैक्टीरियाज है वो डेवलप हो पाते हैं और इनकी वजह से उनमें नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है सॉइल में और राइस का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया भी एज ए बायो फर्टिलाइजर काम कर रहा है। मोस्टली ये हम लोग यूज करते हैं इसको कमर्शियली इन द पैडी फील्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे अबाउट बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था बायो फर्टिलाइजर वाला वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे बायो पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड दे डू नॉट हार्म नॉन टारगेटेड स्पीशीज। ठीक है, ये नॉन टारगेटेड स्पीशीज को किल नहीं करेंगे, जिस टारगेटेड को किल करेंगे। केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो सबको किल करेगा, टारगेटेड को भी किल करेगा और नॉन टारगेटेड को भी किल करेगा। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। बायो पेस्टिसाइड्स इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे, बट केमिकल पेस्टिसाइड जो है सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नो हार्मफुल रेसिड्यू रिमेन इन फूड फॉर एंड फाइबर्स। बायो पेस्टिसाइड यूज किया तो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट वहां से लिया उसमें उसका कोई जो है कंटामिनेशन नहीं आएगा, उसमें मिक्स होके वो नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स मैंने छिड़का है तो वो जो है उस जो प्लांट है उसके प्रोडक्ट पे भी आ सकता है। ठीक है, हार्मफुल रेसिड्यूज में ऑफन रिमेन इन फूड फॉडर एंड फाइबर्स। ठीक है, रिलेटिवली चीपर है, बायो पेस्टिसाइड सस्ता है और केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो महंगा है। इंसेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड नॉट टू डेवलप रेजिस्टेंट। ठीक है, और बायोपेस्टिसाइड यूज करने से इंसेक्ट जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप नहीं कर रहे, मीन इंसेक्ट इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो अच्छा है हमारे लिए। बट केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होता है, इंसेक्ट जो है इवॉल्व करते हैं और उस केमिकल के लिए कुछ टाइम के बाद वो जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं ऑल आउट, ऑल आउट जो पुराना वाला ऑल आउट है उससे कोई मच्छर नहीं भागता है, हर 3-4 महीने में एड आता है नया ऑल आउट, क्योंकि पुराने वाले केमिकल से मच्छर रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड का ही काम कर रहा है जो ऑल आउट हमने घर में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है जो इंसेक्ट है वो रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर हमें बार बार केमिकल चेंज करना पड़ता है जिसमें काफी खर्चा होगा, तो फिर रिसर्च करनी पड़ेगी नए केमिकल के लिए, तो अगर खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं वो केमिकल जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंस दे आर हाईली स्पेसिफिक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्टिस एसेंशियल। अब अगर हमको पता है ये टारगेटेड है, नॉन टारगेटेड पे काम नहीं करता, तो हमें पहले से अच्छे से पहचानना होगा कि हमें किसे टारगेट करना है। अगर हमने किसी और को टारगेट कर दिया तो ये उसको निपटा देगा। ठीक है, इट इज ऑफन नॉट क्रिटिकल, इसमें क्या है वो सबको मारने वाला है, तो ऐसे कोई टारगेट को हम लोगों को पहचानने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाई स्पेसिफिटी में ऑफन मेक द यूज ऑफ टू और मोर बायोपेस्टिसाइड नेसेसरी। ठीक है, अब ये हाई स्पेसिफिसिटी है तो एक से ज्यादा को हम लोग यूज करते हैं एक साथ। ठीक है, इसमें वो जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस में भी वेरिएबल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, अब बायोपेस्टिसाइड से इसका परफॉर्मेंस जो है वो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। यहां पर केमिकल पेस्टिसाइड्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये केमिकल तो काम करेगा ही चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। ठीक है, तो कुछ फायदे, मेजरली जो फायदे हैं वो बायो पेस्टिसाइड्स के हैं, अगर हम इन्वायरमेंट के तरीके से सोचे, कॉस्ट के अकॉर्डिंग सोचे। ठीक है, बट परफॉर्मेंस अगर देखें, फास्ट परफॉर्मेंस तो वो केमिकल पेस्टिसाइड्स की होती है, बट जल्दी के चक्कर में कि जल्दी हम पेस्ट को किल करते हैं उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, महंगा होता है, और जो फूड निकाल रहे उसमें इसका मिक्सचर कंटामिनेशन आ जाता है। बट बायो पेस्टिसाइड थोड़ा स्लो वर्क करता है, बट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया बायो पेस्टिसाइड्स, और केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथी काम तो बहुत फास्ट करता है, बट कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट प्रॉब्लम छोड़ के जाता है। ठीक है, तो हमको कैसे भी, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कोरोना में लौट के हम लोग आयुर्वेदा पे ही आ रहे हैं। ठीक है, एलोपैथी अभी तक कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं आयुर्वेदा से, ये खाओ वो खाओ, है ना, आंवला खाओ, तो हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। मीन्स हम लोग वापिस से लौट के आयुर्वेदा पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम केमिकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम लगता है कुछ टाइम के बाद हम वापिस से बायो पेस्टिसाइड्स पे ही आएंगे, और बहुत सारी कंट्रीज ने केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी बैन कर दिए हैं, तो वहां पे बायो पेस्टिसाइड ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है बायो पायरेसी।
बायोपायरेसी क्या है? मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट और पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायो रिसोर्स ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज कंसर्न इज नोन एज बायोपायरेसी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अगर मान लो किसी कंट्री के पास कोई नॉलेज है और उसने उसका पेटेंट नहीं करा रखा, तो ये उसका पेटेंट करा लेते हैं, और इन्होंने पेटेंट करा लिया तो क्या होता है, अब किसी को भी वो प्रोडक्ट बनाना है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के बदले में पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। जैसे इंडिया के केस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हल्दी हमको पता है, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं हम लोग, और हल्दी का जो है बहुत जो है हेल्थ बेनिफिट्स है। तो क्या किया, अमेरिका ने उसका जो है पेटेंट करा लिया। अब इंडिया में अगर किसी को हल्दी का मैन्युफैक्चरिंग करना है, हल्दी पाउडर बनाना है, ठीक है, या उसमें से कोई कंपाउंड निकाले, तो अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या हुआ, डॉक्टर मशालकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस लड़ा, इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ा कि ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका ने ये कोई नई चीज पता की है, हमारे पूर्वजों को हजारों साल से पता था हल्दी के बेनिफिट्स, बस हमने उसका पेटेंट नहीं कराया क्योंकि हम लोग ये सब चीज पे नहीं मानते। फिर वो केस हुआ, उन्होंने पुराने जो है हमारी किताबें दिखाई जिसमें हल्दी का बेनिफिट दिया हुआ था, ठीक है, तब जाके वो केस इंडिया जीता, ठीक है, ड्यू टू डॉक्टर मशालकर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के, ठीक है, डॉक्टर मशालकर, और उन्होंने इंडिया को ये सारी चीजें पेटेंट कराना, कैसे डील करना है बाकी कंट्रीज से, उन्होंने सिखाया। ठीक है, पहले इंडिया वाले जो है अपनी नॉलेज फ्री में बांटते थे, बट अंग्रेजों ने क्या सिखाया कि नहीं, नॉलेज फ्री में बांटोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, उसका पहले पेटेंट कराओ फिर पैसों में बांटो। ठीक है, समझ गए। तो इंडस्ट्रियल नेशंस जो है, जो अमीर देश है, जो एडवांस्ड है, वो क्या करते हैं, बाकी के जो पुअर नेशंस है जिनके इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, उनकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर लेते हैं और यूज करते हैं, उसका पेटेंट करा लेते हैं। ठीक है, फिर उन्हीं को बोलते हैं कि तुमने चोरी किया है, जो ओरिजिनल जो मालिक था उस टेक्नोलॉजी का या उस नॉलेज का, उसी को बाद में बोलते हैं कि तुमने चोरी किया, हमने पेटेंट कराया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बायो पायरेसी में आती है, पायरेसी मतलब कॉपी करना। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर कलेक्टिंग एक्सपोर्टिंग बायो रिसोर्सेज एज फॉलोस। They are collecting, patenting genetic resource themselves. For example, a patent in granted USA covered the entire basmati rice and crops indigenous to the country. अब हमको पता है बासमती राइस जो है वो इंडियन है, ठीक है, बट अमेरिका ने उसका भी पेटेंट करा लिया। अब अगर इंडिया में किसी को बासमती राइस का फैक्ट्री लगाना है, उसको प्रोसेस करके बेचना है, तो अमेरिका से परमिशन लेगा, नहीं तो वो उसके ऊपर केस कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। The bio resources are being analyzed for identification of available biomolecules. A biomolecule is a compound produced by a living organism. The biomolecule are then patented and used for commercial activities. जैसे हल्दी में एक मॉलिक्यूल मिलता है कर्क्यूमिन, जो कि एंटी कैंसरस है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी जो है अमेरिका ने करा लिया था कर्क्यूमिन का। फिर जो है इंडियन साइंटिस्ट ने जो केस लड़ा, जीता, ठीक है, और फाइनली जो कर्क्यूमिन का पेटेंट है वो इंडिया को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चीजें होती हैं, इसमें हमको भी जो है नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो पेटेंट जो है एक नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक नया तरीका है किसी भी चीज को संभाल के रखने का, अपना हक उस पर जताने का। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि बायो वेपन्स। ठीक है, जैसे कोरोना का आजकल चल रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना जो है एक चाइना का बनाया हुआ बायो वेपन है, ठीक है, और उसने पूरी दुनिया में छोड़ा है, पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है कि पूरी दुनिया का इकोनॉमी डाउन जा रहा है और चाइना का इकोनॉमी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बायो वेपन जो है एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है, एक कंटेनर फॉर दिस इट इज सुटेबल डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, डिलीवरी सिस्टम उसने क्या यूज किया, बैट, बैट का नाम लगा दिया कि बैट से ये फैलता है। ठीक है, बायो वॉर हो सकता है। ठीक है, अब चाइना ने यूज किया, हो सकता है अमेरिका भी बनाएगा उसको टारगेट करने के लिए, तो हो सकता है 2-4 साल के बाद अमेरिका कोई वायरस बना के चाइना के ऊपर छोड़ दे, जैसे अभी चाइना ने अमेरिका के ऊपर छोड़ा, अमेरिका में सबसे ज्यादा 1.5 लाख लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बायोवेपन एजेंट कौन कौन सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई टॉक्सिन जो बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर किल ह्यूमन क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ह्यूमन को मारने के लिए यूज किया जा सकता है,
किसी कंट्री की क्रॉप्स अगर तुम्हें बर्बाद करनी है, उस कंट्री में जितनी भी क्रॉप्स होती है वो बर्बाद कर सकते हो, तो कंट्री जो है भूखा मर जाएगा। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल वेपन और कन्वेंशनल वेपन, बेनिफिट्स क्या है? अगर कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है तो उसके बेनिफिट क्या है? बायोलॉजिकल वेपन और एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर आर नॉट कॉस्टली एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ईज। अब एक वायरस बनाना है फिर तो वो अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा, बैक्टीरिया एक बनाना है फिर वो मल्टीप्लाई कर लेगा, तो बार बार बनाने की जरूरत। ऐसा न्यूक्लियर वेपन है, एक मिसाइल बनाया वो यूज कर लिया, दूसरा मिसाइल बनाने में फिर से उतना तो खर्चा लगेगा, बट यहाँ पे बैक्टीरिया खुद मल्टीप्लाई करता रहेगा, उसे बस मीडियम चाहिए, कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए। डिटेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब अगर आप एयरपोर्ट पे मिसाइल लेके जा रहे हो, बॉम्ब लेके जा रहे हो, पकड़े जाओगे, बट एयरपोर्ट पे अगर आप किसी पैकेट में जो है एक वायरस या बैक्टीरिया लेके जा रहे हो तो डिटेक्ट कोई सिस्टम ही नहीं है उसको डिटेक्ट करने का, क्योंकि तो हमारे स्किन के ऊपर तो वायरस बैक्टीरिया होते ही है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वायरस बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो बहुत इजीली इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री। यूज इज लाइकली टू इंक्रीज। अब जैसा मार्केट चल रहा है अभी बायो वेपन का यूज बढ़ने वाला है क्योंकि कंट्रीज बनाने लगे हैं। ठीक है, दे आर मोर डेंजर देन कन्वेंशनल वेपन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे अब कोरोना है, अब इसको कंट्रोल, अब चाइना भी बोले कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं कंट्रोल कर देता हूँ, नहीं हो पाएगा कंट्रोल, अब नहीं हो रहा है कंट्रोल, है ना, इंडिया में कितना फैल रहा है, तो ये कंट्रोलेबल नहीं है, एक बार फैला तो दिया तुमने, अब उसे तुम रोक नहीं सकते। ठीक है, पोटेंशियल क्या क्या है? एंथ्रेक्स है, ये बायो वेपन में यूज किया जाता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन है, क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम का प्लेग जो पहले दुनिया में फैल चुका है। ठीक है, 1920 में प्लेग फैला था, कोरोना की तरह बहुत हजारों लाखों लोग मरे थे। ठीक है, वायरल एनसेफेलाइटिस है, अल्फा वायरस फैलाता है। ठीक है, तो ये सारे पोटेंशियल बायो वेपन है। अब इसमें पांचवा आप जोड़ सकते हो कोरोना वायरस, ठीक है, वो भी एक तरीके से एक बायो वेपन है। ठीक है, उसके बाद आता है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स मींस एक सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड है जो हर एक को यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अनएथिकल किया जाए। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय विच ए कम्युनिटी रेगुलेट्स इट्स बिहेवियर एंड डिसाइड एज टू विच एक्टिविटीज लेजिटिमेट एंड विच इज नॉट। ठीक है, तो कौन सी चीजें सही है, कौन सी खराब है। जैसे अगर आप एनिमल पे भी टेस्ट कर रहे हो तो एनिमल पे भी टेस्टिंग में कोई क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर रैट्स के ऊपर आप कोई दवाई चेक कर रहे हो, कोई केमिकल चेक कर रहे हो, तो क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है वो बायो एथिक्स में आते हैं। ठीक है, बायो एथिक्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैं अपने पीएचडी में रैट पे एक्सपेरिमेंट करता था, तो रैट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रैट को किल करना है तो उसका भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। ऐसे नहीं कि मैं उठाकर रैट को पटक दूं और मार दूं या सर फोड़ दूं उसका पत्थर से, ऐसा नहीं। उसको इस तरीके से मारना है कि उसे कम से कम पेन हो, जब उसे जिंदा रखा है तब उसे प्रॉपर खाना पीना, एसी में रहते थे रैट्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें मींस ये सारी चीजें बायो एथिक्स में आती हैं। इसको अगर कोई साइंटिस्ट वायलेट करता है तो उसके ऊपर केस होता है। ठीक है, बायोएथिकल कमेटी उसके ऊपर केस कर देगी। तो बायो एथिक्स बहुत जरूरी है, ये एनिमल्स के लिए भी है, ह्यूमंस के लिए भी है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, इसमें जो है आपको अपना प्रोटोकॉल, जैसे मान लो बैक्टीरिया को आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, जैसे मैं करता था बैक्टीरिया को मॉडिफाई फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ई, तो मैं इस कमिटी से परमिशन लेता, ये दिल्ली से ये कमेटी आती थी, मुझे इसके सामने सारी चीजें बतानी पड़ती थी कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा वर्क है। फिर वो मेरे को 15-20 मिनट में उनको प्रेजेंटेशन दिखाता था, मैं ये करने वाला हूँ, वो मुझसे सवाल पूछते थे, अगर कुछ गलत है तो वो डांट भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपके फॉर्म पे साइन किया, तभी आप रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। विदाउट परमिशन अगर आप बैक्टीरिया में कुछ इंजीनियरिंग करने लगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको अप्रूव करानी पड़ेगी, कोई भी इंसान रिसर्च अपने घर पे स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मेजर बायो एथिकल कंसर्न क्या है? यूज ऑफ एनिमल्स इन बायोटेक्नोलॉजी कॉज ग्रेट सफरिंग टू देम। वो एनिमल को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए सफरिंग तो है, तो उसमें कोई क्रुएलिटी ना हो वो देखना है। व्हेन एनिमल्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन दे आर वर्चुअली रिड्यूस टू स्टेचर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, तो एनिमल को हम लोग एज ए फैक्ट्री यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर वाइल इंटीग्रेटेड स्पीशीज। अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, एक स्पीशीज के जीन लेके दूसरे में डालते रहेंगे तो स्पीशीज चेंज हो जाएंगी, है ना, स्पीशीज जो है चेंज हो जाएंगी।
तो उसका हमको देखना है कि नेचर में कोई फर्क ना पड़े, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन्स इनटू एनिमल्स, ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज डिस्ट्रक्टिव टू लिविंग बींग्स एंड ओनली एक्सप्लॉइट देम फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का पूरा बेस यही है कि हम ह्यूमन के लिए कुछ फायदा ढूंढ रहे हैं, बाकियों के बारे में हम कुछ सोचते नहीं है। प्लांट को एक्सप्लॉइट कर लो, एनिमल को एक्सप्लॉइट कर लो ह्यूमन के लिए। तो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी पूरा जो फील्ड है वो अनएथिकल है, बट अब ह्यूमन सब कुछ अपने लिए करता है तो उसके लिए सब एथिकल हो जाता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्क है, बट इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो पूरी तरीके से कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ बेनिफिट का होगा। जैसे राइस का यील्ड बढ़ाना है, अगर जीन बढ़ा के जीन एडिट करके तो बढ़ाने देंगे, ठीक है, बट राइस और व्हीट को मिक्स करना है तो उसका परमिशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जाता है, कमेटी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की उसको रेगुलेट करती है। जो जरूरत की चीजें हैं उसी का परमिशन मिलता है, कोई भी साइंटिस्ट, कोई खुरापाती साइंटिस्ट कुछ भी सोच रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसका परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये माइक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, एनसीईआरटी लेवल चैप्टर है, नोट्स बनाइए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मॉलिकुलर इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम लोग देखो, जेनेटिक्स में दो चैप्टर्स आते हैं, एक आता है हमारा इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स है मेन, क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है, दूसरा आता है मॉलिकुलर इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पहला वाला चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चैप्टर हम लोग ऑफलाइन पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन में समझना बहुत मुश्किल है उस चैप्टर को, ठीक है। मॉलिकुलर इनहेरिटेंस क्या है, डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, तो वो चीजें मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में है जो कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, वो तो हम लोग स्किप कर रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि जब आप लोग क्लासरूम में आए तब पढ़े। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मॉलिकुलर इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर जब आपका खत्म हो जाता है, ये वीडियो जब आप देख लेते हैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी में से मॉलिकुलर इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद वीडियो देखो तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।